समाजवादी पार्टी के बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ODF की योजना जो लेकर चल रही है वो वाकई अच्छी योजना है, लेकिन सरकार के द्वारा किया जा रहा ये कार्य सिर्फ कागजों में ही पूरा किया जा रहा है। भाजपा सरकार लफ्फाजी की योजनाएं चला रही है, लेकिन अब सरकार सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो गलत है। सरकार को चाहिए कि वो प्रदेश और देश की जनता के हित में सोचे और युवाओं को रोजगार और विकास करे, तभी सरकार सफल सरकार साबित होगी। सरकार ODF तो चलो बहुत बात की बात है, सरकार तो हर मुद्दे पे इनकी फेल है। इनको बातें करने का शौक है और जुमलों की सरकार है, सभी जानते हैं। ODF का जो योजना है उसूली तौर पर देखा जाए तो ये बहुत शानदार योजना है, क्योंकि अगर शौच मुक्त भारत होगा तो यकीनी तौर पर गंदगी और जो परेशानियां ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनसे छुटकारा उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों को शौचालय नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कागजों में और लफाजी वाली योजना इनके रह गई है। हमारी विधानसभा के अंदर जो 30 बिलारी विधानसभा है उसमें कोई इस तरीके की योजना इनकी प्रभावी नहीं है। यहाँ पर तो इनको बस एक ही काम है कि किस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बांटा जाए और लोगों में नफरत की बात फैलाई जाए। विकास से तो बहुत दूर है ये लोग। ये लोग कागजों पे काम करते हैं, कोई भी योजना लेकर के आएंगे उस पे काम बताएंगे जरूर, माइक से बोलेंगे जरूर, लोगों के जहन को बदलेंगे जरूर, लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा तो उस पे काम नहीं करते ये लोग। कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद मारपीट कराना या मारपीट बचाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है एक दूसरे के अंदर नफरत को फैलाना, और नफरत जब इंसान के अंदर फैल जाती है तो जो लोग होली पर जाकर बहुत खुशियों के साथ रंग भी लगाया करते थे और गुजियाँ भी खाया करते थे, इन्होंने उन गुजियों पर और उस रंग पर अटैक किया है, और जो ईद की सिवैयाँ जो मिठास बखेरा करती थी उन ईद की सिवैयों पर इन्होंने अटैक किया है। अब लोग खौफ जदा हैं, ना वो रंग लगाने की तरफ जाने की कोशिश कर पाते और ना वो सिवैयाँ खाने की तरफ कोशिश कर पाते। तो हम ये कहना चाहते हैं नफरत वफरत की बात को ख़त्म कर कर विकास की बात करें। अब सरकार है उनकी, और सरकार में रहने के बाद वो लोगों को इस तरीके से मोहब्बत की बात करें। अब तो सरकार जब बन जाती है तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर चलें उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है।